नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 का तीसरा पाठ। पाठ का नाम था समझदार नन्ही, जिसमें हमने देखा कि कैसे नन्ही बतख है वो दलदल से बिच्छू को बचाती है, फिर बिच्छू है वो डंक मारकर चला जाता है और अंत में है वो बिच्छू का स्वभाव सुधर जाता है और वो डंक मारना छोड़ देता है। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों कहा बताइए। तो पहला है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो ये नन्ही बतख है वो अपनी माँ से कहती है। जब उसकी माँ उसे कहती है कि बिच्छू की आदत होती है डंक मारना, इसलिए नन्ही बतख कहती है कि मैं उसकी आदत छुड़ा कर रहूँगी। फिर है क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बच्चों ये है बिच्छू नन्ही से कहता है। जब नन्ही उसे बचाकर सूखे स्थान पर रखती है तो बिच्छू है उसको डंक मार देता है। नन्ही के पूछने पर वो बोलता है कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। फिर आगे है तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये वाक्य है नन्ही बतख है वो बिच्छू से कहती है। जब बिच्छू कहता है कि मेरा डंक मारना स्वभाव है, उस पर ये वाक्य है वो नन्ही कहती है। भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो बच्चों नन्ही है ये बिच्छू से कहती है, बिच्छू जब कहता है डंक मारना मेरा स्वभाव है तो नन्ही कहती है भलाई करना मेरा स्वभाव है। आगे है मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो ये वाक्य है वो बिच्छू है वो नन्ही से कहता है। जब नन्ही बिच्छू को बचा लेती है और वो बोलती है कि मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मुझे डंक मारना है तो मारो, तब बिच्छू है वो ये निर्णय लेता है कि अब वो किसी को डंक नहीं मारेगा। फिर आगे है यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो बच्चों हम अगर नन्ही की जगह होते तो हम भी नन्ही की तरह ही बिच्छू के साथ बर्ताव करते। फिर आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है नन्ही कौन थी, तो नन्ही थी वो एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, इसका जवाब है जब नन्ही ने बिच्छू को बचाया और बिच्छू फिर से उसे डंक मारने लगा तो नन्ही ने बोला कि पीछे क्यों हट गए, मुझे डंक मारो। तभी है वो बिच्छू को है वो पछतावा हुआ, उसे लगा कि दो बार नन्ही ने मेरी जान बचाई फिर भी वो मुझे डंक मारने को कहती है, इसलिए उसे पछतावा हुआ। और नन्ही ने कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह सोचकर उसे पछतावा हुआ और वो बोला कि अब मैं डंक मारना छोड़ दूंगा, कभी किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही ने क्या निश्चय किया, तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वो है वो बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा देगी। कौन सी गंदी आदत, डंक मारने की। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, क्योंकि नन्ही का स्वभाव था भलाई करना, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा, तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू का आदत होती है डंक मारना, वो अपनी इस गंदी आदत का गुलाम है। आगे का प्रश्न है नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, तो नन्ही ने बिच्छू से अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकती। फिर आगे का प्रश्न है घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो बच्चों ये हमने जो कहानी पढ़ी थी उसकी घटनाओं के बारे में हमें सही क्रम में लिखनी है। सबसे पहला होगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दो नंबर में का आएगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर तीन नंबर का आएगा बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। चार नंबर का आएगा नन्ही अपनी माँ से माँ के पास चली गई। और पाँच नंबर का आएगा नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती
आ गई। आगे है, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, संज्ञा यानी नाउन, हमने पहले भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु को पहचानने के लिए उसे एक नाम दी गया है, उसे एक संज्ञा दी गई। तो इस पाठ में हमें कौन कौन सी संज्ञा दिखाई दी है वो मैंने लिखी है और इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। पहला है नन्ही बतख, तो नन्ही बतख है वो नदी में चली गई। दूसरा है माँ, तो माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू की आदत है डंक मारना। फिर है नदी, नदी यानी सरिता, नदी में एक चींटी डूबी जा रही थी। फिर है भाई, तो मेरे भाई का नाम रमेश है। आगे है दलदल, तो दलदल में कवल खिला है। फिर है इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है अनसुनी करना, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। बिच्छू ने नन्ही बतख की बात अनसुनी कर दी। फिर है वचन देना, वचन देना यानी वादा करना। तो बिच्छू ने है वो नन्ही को वादा किया अथवा बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया। फिर है थिरकने लगना, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। मैं 10वीं में पास हो गई तो थिरकने लगी। आगे है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोज कर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहला है नदी, नदी का सरिता यानी नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो बच्चों, हमें नदी के लिए वाक्य नहीं बनाना, पर हमने जो समानार्थी दिया है सरिता, उसके लिए वाक्य बनाना है। देखते हैं स्थान, स्थान यानी जगह। हमें अच्छी जगह चाहिए घर बनाने के लिए, या हम दूसरा वाक्य लिखेंगे कि हम इस वेकेशन में घूमने जाएंगे अच्छी जगह पर। फिर दूसरा है स्वभाव, स्वभाव यानी प्रकृति। तो बिच्छू की प्रकृति थी डंक मारना। फिर है मुसीबत, मुसीबत यानी मुश्किली। नन्ही ने बिच्छू को मुश्किली में बचाया। फिर है प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। मेरे पापा घर आए तो मैं खुश हो गई। फिर है थिरकना, थिरकना यानी नाचना। गाना सुनकर मैं नाचने लगी। आगे है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में यानी जो शब्दकोश में इसका क्रम दिया गया है उस क्रम में हमें लिखना है। तो पहला है डंक, दूसरा होगा नदी, तीसरा होगा बिच्छू, चौथा होगा मुसीबत, फिर है शैतानी। तो बच्चों, शब्दकोश के क्रम में जब हम लिखते हैं तो अ आ ई ई है वो मूलाक्षर होते हैं, पर शब्दकोश के क्रम में हमारा पहला अक्षर होगा अम, फिर होगा अ, उस तरह है वो शब्दकोश में दिया गया है, जिसकी विस्तृत माहिती के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो बच्चों, चित्र देखकर मैं वाक्य बोलती हूँ, आप लिखते जाना, ऐसे एक कहानी बन जाएगी। जैसे एक जंगल था, जंगल में नदी किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर कबूतर बैठा था। कबूतर ने देखा कि पानी में चींटी है, वो डूब रही है। चींटी बोल रही है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो दूसरे चित्र में है वो कबूतर है, वो पानी में एक पत्ता डालता है, पत्ते के ऊपर है वो चींटी चढ़ जाती है और फिर कबूतर है वो पत्ता लेकर सूखे स्थान पर रख देता है। इस तरह है वो कबूतर है वो चींटी की जान बचाता है और दोनों मित्र बन जाते हैं। आगे एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है, तो जंगल में आता है तो वो कबूतर का शिकार करने के लिए उस पर है वो बंदूक ताक देता है, पर कबूतर बेध्यान होता है। चींटी को पता चलता है कि ये शिकारी है वो कबूतर का शिकार करने वाला है। चींटी है वो कबूतर को बचाने के लिए
शिकारी को डंक मारती है, और डंक मारती है तो शिकारी है वो उसका निशाना चूक जाता है और कबूतर है वो उड़ जाता है। जिस तरह एक बार इस कहानी में कबूतर ने चींटी की जान बचाई, उसी तरह चींटी भी है वो कबूतर की जान बचाती है। तो इस तरह से हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें है वो दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। तो बच्चों यह इस वीडियो में हम यहाँ तक सीखेंगे, अगले वीडियो में हम इससे आगे का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।